नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। जलगांव गर्ल्स हॉस्टल कांड ने पूरे महाराष्ट्र सरकार को हिला करके रख दिया है। विधानसभा में जब मामला उठा तो सरकार से जवाब नहीं बन रहा था और सवाल ये पूछा जा रहा था कि आखिरकार इसके लिए जिम्मेदार कौन है, क्या है जलगांव गर्ल्स हॉस्टल का। दरअसल वहाँ पे एक आशादीप के नाम से सरकारी हॉस्टल है जो महिलाओं के लिए है। यूँ तो इस हॉस्टल में महिलाएं परेशान हाल ही आती हैं, लेकिन ऊपर से पुलिस वालों ने और कुछ कर्मचारियों ने मिल करके जो कांड किया है उससे पूरी मानवता शर्मसार होती है। और सिर्फ ये महाराष्ट्र का ही मामला नहीं है, जहाँ भी इस तरह के हॉस्टल हैं आप पाएंगे कि टाइम टू टाइम ऐसी घटनाएं प्रकाश में आती रहती है। इसका भंडाफोड़ कैसे हुआ ये सुनिए कि एक NGO ने वहाँ के जो DM हैं अभिषेक राउत उनको ज्ञापन दिया और साथ में वो वीडियो भी दिया जिसमें पुलिस वाले वहाँ की महिलाओं को नंगा करके नचा रहे हैं। DM ने जो है जाँच का आदेश दिया और मामला अब भंडाफोड़ हो गया। अब सुनिए कि DM क्या कह रहे हैं। अतिक्रमण के बारे में आरोप करते हुए एक महिला का जो वीडियो आया था, जिस हिसाब से हमने एक इंक्वायरी कमेटी गठित की है, उस कमेटी में 4 सीनियर लेडी ऑफिसर्स हैं और उन्होंने जाकर वहां पर शाम को ही कल भेंट लेकर वहां पे जो भी लड़कियां हैं महिलाएं हैं उनसे बातचीत की है। उन्हें विश्वास में लेकर जो भी इसमें सत्यता है वो बाहर आएगी और उसके हिसाब से आवश्यक जो भी कार्रवाई है वो की जाएगी। तो जैसा कि आपने सुना और अब वहाँ के पुलिस अधिकारी को भी सुन लीजिए कि कैसे जांच की जा रही, क्योंकि बात यह आ रही है कि DM ने अपने स्तर से अलग कमेटी बनाई है और सरकार ने भी कमेटी बनाई है। तो SP को भी सुन लीजिए। तो अश्लील वीडियो तो कहीं नहीं है, सिर्फ आरोप लगाने वाला वीडियो है और इतना हड़कंप मच गया इसमें। अभी जो वीडियो हमारे सामने आरोप का है उस बेसिस पे हमारा काम है उसमें जांच करना, वो चल रही है। थैंक यू सर। तो जैसा कि आपने पुलिस अधिकारी को सुना, इसके बाद जब ये विधानसभा में मामला उठा और सुधीर मुनगंटीवार जो BJP के नेता हैं उन्होंने इसको तूल दिया और कहा कि ये महाराष्ट्र के जो हालात हैं वो तो उसमें राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, फिर क्या था, फिर हंगामा मच गया और अनिल देशमुख जो वहाँ के गृह मंत्री हैं वो सामने आए और उन्होंने बताया कि इस मामले में जाँच बिठा दी गई है, जाँच होती रहेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो पुलिस वाले कौन हैं जो ऐसा काम कर रहे थे, वो हॉस्टल के कर्मचारी कौन हैं जो इसमें उनकी मदद कर रहे थे, और बात ये भी आ रही है कि जो महिलाएं ऐसा नहीं करती थी उनको तरह तरह से प्रताड़ित किया जा रहा था। 1 मार्च को यानी कि 2 दिन पहले जो इस तरीके की घटना हुई उसका वीडियो जो है वायरल हो गया। हम किन्हीं वजहों से उस वीडियो को दिखा नहीं सकते क्योंकि महिलाओं के सम्मान का मामला है, लेकिन वो वीडियो वायरल हो रहा है और अब सरकार कह रही है कि जांच करा करके कार्रवाई करेंगे। लेकिन जो ये घटनाक्रम हुआ है उससे पूरी सरकार हिली हुई है और देखते हैं कि क्या रिपोर्ट आती है और कैसे न्याय मिलता है। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।